नगर पालिक निगम भिलाई ने 2022-23 का संपत्ति कर पटाने की अंतिम तिथि की घोषणा 30 अप्रैल तक की है और उसके बाद लगने वाले अधिभार एवं शास्ती शुल्क से बचने निगम मुख्यालय सहित सभी जोन कार्यालयों में संपत्ति कर जमा कराने की सुविधा के लिए निगम भिलाई ने एक बार पुनः अपने नागरिकों से अपील की है कि अंतिम तिथि से पहले अपना कर अदा करें और उसके बाद लगने वाले अधिभार और शास्ती शुल्क देने से बचें। 30 अप्रैल की तिथि तक जो वित्तीय वर्ष 2022-23 का संपत्ति कर है उसको बढ़ाने की जो अवधि है 30 अप्रैल तक की गई है शासन के द्वारा। इसके तारतम्य में जो है 30 अप्रैल तक कोई भी यदि संपत्ति कर जमा करता है जो 2022-23 का करदाता होगा उसको संपत्ति कर में जो है अधिभार नहीं लगेगा और 30 अप्रैल तक वो आसानी से अपना जो कर है वो जमा कर सकते हैं। लेकिन 30 अप्रैल के बाद से यदि किसी प्रकार की तिथि आगे वृद्धि नहीं की जा सकती है और नहीं की जा पाएगी या कुछ ऐसे कारण होंगे तो उसमें उनको अधिभार देना पड़ेगा। 18% अधिभार होता है वो देना पड़ेगा। इसके अलावा जो शास्ती है 1,000 रुपये वो भी उनको अदा करनी पड़ेगी। तो इसमें बेसिकली ये है कि 30 अप्रैल तक जो है वो वित्तीय वर्ष 2022-23 का जो टैक्स है उसको जो है करदाता उनको जमा कर देना चाहिए। नगर पालिक निगम भिलाई की अपील भी है। इसके अलावा जो आपका वित्तीय वर्ष 2023-24 है उसका जो उसमें छूट दिया जा रहा है वो अप्रैल से प्रारंभ है और अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक अलग अलग अवधि में जो पहले करदाता होंगे जो जमा करेंगे अप्रैल मई में उनको ज़्यादा छूट है और जून में जमा करेंगे उनको फिर उसके हिसाब से छूट है। ऐसे करके छूट का प्रावधान भी है लेकिन ये छूट का प्रावधान जो है वर्ष 2023-24 के जो करदाता हैं उनके लिए है। वो जितना जल्दी अपना कर जमा करते हैं उनको उतना ही छूट का लाभ मिलेगा। तो इसको लेकर के जो है छूट का फ़ायदा भी उठा सकते हैं और समय पे अपना संपत्ति कर भी जमा कर सकते हैं और इनको भी जो है अभी कोई अधिभार नहीं लगेगा। ये जो अधिभार होगा वो उसके बाद में जो वित्तीय वर्ष समाप्ति होगी 2023-24 की मार्च के बाद 31 मार्च के बाद वो उसमें अधिभार लगेगा।